हेलो एवरीवन, आज हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। आज हमने जो पुराना पढ़ा है हम उसे रिवाइज करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। हम देखेंगे कि क्या हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। आई सजेस्ट यू ऑल कि आप इसको करने से पहले पुराने वीडियो सारे जाके देखें, सो दैट आप इजीली जज कर पाएं कि ये इजी है या टफ। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, विच डे इज मार्क्ड एज जीएसटी डे? ऑप्शन ए 1st of May, ऑप्शन बी 1st of July, ऑप्शन सी 2nd of May एंड ऑप्शन डी 2nd of July। तो हमारा आंसर इसमें रहेगा 1st of July। 1st of July इज मार्क्ड एज जीएसटी डे। क्वेश्चन सेकेंड, विच अमंग द फॉलोइंग हैज न्यूक्लियस? ऑप्शन ए WBC, ऑप्शन बी RBC, ऑप्शन सी प्लेटलेट एंड ऑप्शन डी प्लाज्मा। इन चारों में से WBC है जिसमें न्यूक्लियस होता है, RBC और प्लेटलेट्स ऐसे हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। थर्ड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वेन विच कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी? मतलब हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी लार्जेस्ट वेन है जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट तक ले जाती है? ऑप्शन ए पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी पल्मोनरी वेन, ऑप्शन सी सुपीरियर वेना कावा और ऑप्शन डी अरोटा। सो हमारा आंसर रहेगा सुपीरियर वेना कावा। आपको इन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पुराने जितने भी वीडियोज हैं, वेदर वो ब्लड के हों वेदर वो GST के हों, देखने चाहिए ताकि आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएं। नेक्स्ट, वॉट इज द नियर पॉइंट ऑफ एन आई? ऑप्शन ए 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 mm, ऑप्शन डी 24 mm। नियर पॉइंट ऑफ एन आई, ऐसा मिनिमम डिस्टेंस जिससे हमारी आई, मतलब मिनिमम डिस्टेंस जिससे ऑब्जेक्ट पड़ा और हमारी आई उसे क्लियरली देख पाए, दैट इज 25 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो एंटीबॉडी? ऐसा कौन सा ग्रुप है इन चारों में से जिसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती है? ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी बी, ऑप्शन सी ए एंड ऑप्शन डी ए बी। तो एंटीबॉडी जिसमें प्रेजेंट नहीं होती है वो होता है ब्लड ग्रुप ए बी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए एंटीजन? ऑप्शन ए ए एंड बी, ऑप्शन बी ए एंड ए बी, ऑप्शन सी ओ एंड ए एंड ऑप्शन डी नन। ये सारे क्वेश्चंस आंसर करने के लिए आपको ब्लड का पार्ट टू देखना पड़ेगा जिसमें मैंने टेबल बना के आप लोगों को समझाया था कि किसमें कौन सा एंटीजन होता है, किसमें कौन सी एंटीबॉडीज होती है। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी ए एंड ए बी। ए एंड ए बी ग्रुप में एंटीजन ए होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फर्स्ट टू रेटिफाई GST? मतलब ऐसी कौन सी पहली स्टेट है जिसने GST इम्प्लीमेंट किया था? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी आसाम। तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा आसाम। लाइफ स्पैन ऑफ RBC, ऑप्शन ए है 1 to 5 days, ऑप्शन बी है 5 to 50 days, ऑप्शन सी है 20 to 120 days एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। मैंने लाइफ स्पैन ऑफ RBC, WBC सब बताए थे ब्लड के पहले पार्ट में, तो पहले आप जाके उसे देखिए अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है। तो हमारा लाइफ स्पैन ऑफ RBC होगा ऑप्शन सी 20 to 120 days। ह्यूमन आई हैज विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस? हमारी आई में एक लेंस फिट होता है, तो ये बोला गया है कि कौन सा लेंस हमारी ह्यूमन आई में होता है। ऑप्शन ए बाइकॉनकेव लेंस, ऑप्शन बी कॉनकेव लेंस, ऑप्शन सी बाइकॉन्वेक्स लेंस एंड ऑप्शन डी कॉन्वेक्स लेंस। आंसर होगा इसका सी बाइकॉन्वेक्स लेंस। विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर? ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर होता है? ऑप्शन ए ओ पॉजिटिव, ऑप्शन बी ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी ओ नेगेटिव एंड ऑप्शन डी ए बी नेगेटिव। तो यूनिवर्सल डोनर होता है ओ नेगेटिव। What type of image is formed on retina? Option A real, option B diminished, option C real and inverted and option D all of the above। तो retina पर जो भी image हमारी form होती है वो होती है real and inverted and वो
फिर जाके ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू ब्रेन को मैसेज ट्रांसफर करती है। तो आंसर हमारा होगा रियल एंड इन्वर्टेड। एस्टिगमेटिज्म कैन बी करेक्टेड बाय विच लेंस? ये मैंने आपको आई के पार्ट में कराया था। ऑप्शन ए कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन बी कॉनकेव लेंस, ऑप्शन सी बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड ऑप्शन डी सिलेंड्रिकल। तो हमारा आंसर रहेगा इसमें सिलेंड्रिकल। व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड? 7.2, 7.4, 7.6 या 7.3? तो हमारा इसमें आंसर होगा पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4। नियर साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय विच लेंस? नियर साइटेडनेस का मतलब है कि नियर ऑब्जेक्ट्स को हम देख पा रहे हैं, फार ऑब्जेक्ट्स को हम नहीं देख पा रहे हैं। ऑप्शन ए कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन बी कॉनकेव लेंस, ऑप्शन सी बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड ऑप्शन डी सिलेंड्रिकल। तो हमारा आंसर होगा कॉनकेव लेंस। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टरी विच कैरी ब्लड टू बॉडी? ऑप्शन ए पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी पल्मोनरी वेन, ऑप्शन सी सुपीरियर वेना कावा एंड ऑप्शन डी अरूटा। लार्जेस्ट आर्टरी जो प्योर ब्लड हमारी बॉडी को ट्रांसफर करती है वो होती है अरूटा। विच अमंग द फॉलोइंग हैज नो न्यूक्लियस? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है कि न्यूक्लियस WBC में होता है, RBC या प्लेटलेट में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो हमारा आंसर इसमें रहेगा बोथ बी एंड सी। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आगे हम और क्वेश्चंस के थ्रू इसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।